ईशान किशन की हुई बल्ले बल्ले, टीम इंडिया में होगी ईशान किशन की वापसी। कोच गंभीर ने कर दिया बड़ा ऐलान, इस देश के खिलाफ खेलेंगे सीरीज। ईशान किशन के फैंस के लिए गुड न्यूज आ गई है, टीम इंडिया से ईशान किशन की दूरियां अब मिट सकती हैं। ईशान किशन की फिर से टीम इंडिया में वापसी होने वाली है। ईशान किशन ने भारत के लिए आखिरी मैच पिछले साल नवंबर में खेला था, उसके बाद से ही वो टीम इंडिया से दूर हैं। लेकिन अब फिर से ईशान किशन टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में दिखने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बात का ऐलान खुद टीम इंडिया के नए नवेले कोच गौतम गंभीर ने किया है। ईशान किशन पिछले 10 महीने से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई के आला अधिकारी ईशान किशन से नाराज चल रहे थे। लेकिन अब गंभीर के कोच बनते ही ईशान किशन की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं और जल्द ही ईशान किशन की टीम में वापसी होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहा है गंभीर ने और अब किस सीरीज में होने वाली है ईशान किशन की वापसी, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कॉमेंट करके बताइए कि क्या आप ईशान किशन को फिर से टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। कब और कैसे होगी ईशान किशन की वापसी? ईशान किशन ने हाल ही में दिलीप ट्रॉफी में दमदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा था। इससे पहले गुची बाबू टूर्नामेंट में भी ईशान किशन ने बेहतरीन शतक जड़ा था। उनके इस दमदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें फिर से टीम में चुना जा सकता है। आपको बता दें कि ईशान किशन ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज के बाद ब्रेक लिया था। इसके बाद से ही वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद उन्होंने बीसीसीआई की बात नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। इसी बात से बीसीसीआई के आला अधिकारी और सिलेक्टर्स ईशान किशन से नाराज हो गए। इस नाराजगी के कारण ही उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक से बाहर कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं मिली जगह। जब भारतीय टीम का सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किया गया तो पहली चॉइस विकेट कीपर तो ऋषभ पंत ही थे। जब उन्होंने आईपीएल में वापसी की और अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए न केवल रन बनाए बल्कि कीपिंग की जिम्मेदारी भी बहुत ही गंभीरता से निभाई, तो समझ आ गया कि अब वे टीम इंडिया में वापसी करने वाले हैं। तो ऐसे में ईशान किशन का पत्ता कट गया। जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं मिली जगह। T20 वर्ल्ड कप में जब ईशान किशन को नहीं लिया गया तो उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी, तो उसमें उनको लिया जाना करीब करीब पक्का है, क्योंकि ऋषभ पंत और संजू सैमसंग वर्ल्ड कप के बाद आराम करेंगे और तब ईशान किशन की वापसी हो जाएगी। लेकिन जब जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम का सिलेक्शन किया गया तो उसमें ऋषभ पंत तो नहीं थे, लेकिन संजू सैमसंग को मौका दिया गया और उनके साथ ध्रुव जुरेल को जिम्बाब्वे का टिकट थमा दिया गया। यानी इस सीरीज में भी ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया। इसके बाद श्रीलंका दौरे पर भी ईशान किशन को मौका नहीं मिला था। इस सीरीज में होगी ईशान किशन की वापसी। ईशान किशन के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और उनकी एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी होने वाली है, और इस बात का खुलासा टीम इंडिया के नए नवेले कोच गौतम गंभीर ने किया है। गौतम गंभीर ने कहा है कि हमें अब अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी टीम तैयार करनी है। ऐसे में हमें जो खिलाड़ी चाहिए अलग अलग नंबर पर बल्लेबाजी कर सकें, जैसे कि ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़। गंभीर के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अब ईशान किशन की टीम में वापसी होने वाली है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में ऋषभ पंत को आराम दिया जा सकता है। ऋषभ पंत लंबे फॉर्मेट में भारत के नंबर 1 विकेट कीपर हैं। टीम इंडिया को आगे कई और टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में भारतीय सिलेक्टर्स बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से ब्रेक देकर पंत के वर्कलोड को मैनेज करना चाहेंगे। ऋषभ पंत को अगर बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से आराम मिला तो इस बात की पूरी संभावना है कि ईशान किशन टीम में 9 महीने बाद वापसी कर सकते हैं। और अब तो कोच गंभीर ने भी ईशान किशन की वापसी का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में ईशान किशन वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ईशान किशन के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कॉमेंट करके बताइए कि क्या आप ईशान किशन को फिर से टीम इंडिया में खेलते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।